Without using any heroes, this is the best and easiest attack strategy on Town Hall 12. In this video, I will give you a complete review of this amazing attack strategy. How heavy is that? Light work and the bass on the track on my face in the pack like I'm taking a slap. I need a drink pretty straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles on the round. So, well guys, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने TH11 की नो हीरोज अटैक स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड की थी। वहां पे लिटरली यार इतने सारे कमेंट्स TH12 के आए कि ये वीडियो लानी ही पड़ी। एंड वेल गाइस, ये अटैक स्ट्रेटजी है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। एंड हम लाइव अटैक्स करने चलते हैं। बट उन लोगों को पहला बेस यहां पर मिला अटैक करने के लिए। एंड चलिए देखते हैं क्या इस बेस को हम लोग 3 स्टार कर पाएंगे विदाउट हीरोज। तो स्टार्ट हम लोग कुछ इस तरीके से करना है गाइस। जो हमारे पास लावा हाउंड है ना, उसे इस तरीके से ऐसा मतलब गार्ड यूज करना है, पीछे से अपनी ब्लिम विदाउट एनी डैमेज टाउन हॉल के आसपास तक पहुंच जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लिजार्ड हमारे यहां पे भाई है, तो ब्लिजार्ड को अच्छे से परफॉर्म करना है आपको। अब देखते हैं भाई हमारे सुपर विजार्ड कहां पर ड्रॉप होते हैं। टाउन हॉल के काफी पास, अच्छी बात है भाई। रे स्पेल और इनविजिबल स्पेल डालते रहना है। एक रे स्पेल मैंने डाल दिया है और मैं सारे इनविजिबल स्पेल्स भी यहां पे ड्रॉप कर रहा हूं, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गाइस मेरे जो सुपर विजार्ड हैं बहुत तेजी से आजू बाजू भग रहे हैं, इनको ध्यान से देखते रहना भाई। पता चले भाई आपने कहीं और इनविजिबल डाल दिया, कहीं और पहुंच गए। तो ब्लिजार्ड बहुत तेज काम करती है, इसलिए आपको ना इसको बहुत चीज यूज करना है। वेल गाइस, कितनी खतरनाक वैल्यू मिल चुकी है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। हम लोगों को यहाँ पे अराउंड 26% टाउन हॉल ईगल आर्टिलरी जैसे बड़े बड़े डिफेंसेस साथ में मिल चुके हैं। अब यहां पे आती है हमारी जो बेसिकली ड्रैगन इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की आर्मी है। पहले मैंने 3 इलेक्ट्रो ड्रैगन सेम मैंने TH11 वाली आर्मी के साथ भी किया था। इससे क्या होता है, पहले थोड़ी फनलिंग सी बन जाती है, पाथ बन जाता है। एंड इसके बाद पीछे से बलून्स के साथ बचे हुए इलेक्ट्रो ड्रैगन आ चुके हैं। एंड बस गजब क्या, बैठ के इंतजार करना। एंड रेस पल ऐसी जगह पर डालो जहां पर सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स है। यहां पर मैंने एकदम स्टार्टिंग में रेस पल क्यों डाला, आप सोच रहे हो मेरी खुद की गलती है ये, थोड़ा और आगे डालना था मुझे। पर आई थिंक मैंने जो डाला उससे ना इलेक्ट्रो ड्रैगन को एक पुश मिल गया, जिससे वो काफी इजिली यहां पर देखो मेन जो यहां पर इतने सारे डिफेंसेस थे उन पर आराम से चार्ज करते हुए निकल गए। तो भाई इस तरीके से यहां पे अटैक करना है। वेल गाइस, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना अगर आपने तो पे नहीं किया है। एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना यार, आप लोगों ने इतनी डिमांड की है, तो भाई मैं होप करता हूं आप सब लोग एटलीस्ट यार लाइक तो अभी कर ही चुके होंगे। एंड वेल गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टाउन हॉल के लिए चाहिए वो भी कमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज मैं अभी हर टाउन के लिए लाने वाला हूं। तो जैसे भाई TH11 वाली वीडियो में सबसे ज्यादा डिमांड TH12 की थी, तो इसलिए फिर मैं इसके लिए आया। अब इस वीडियो के नीचे जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे जिस TH के, मैं उस TH की अगली वीडियो लाऊंगा। तो यार आपको यहां पर कमेंट करना अपना TH, एंड मैं आपके लिए वीडियो आज कल परसों में जल्दी से जल्दी ले आऊंगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो किस टाउन हॉल पे आती है न्यू हीरोज अटैक स्ट्रेटजी की। अब यहां पे एक दिक्कत हो गई है भाई, दो यहां पे एक एक्सपो बचा है विजार्ड टावर और एक यहां पे आर्चर टावर। पर आई थिंक यार दो अपने जो इलेक्ट्रो ड्रैगन से इनसे इसका पूरा काम निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई क्या यहां पे हम लोग कर पाएंगे। बाकी यार माइंस वगैरह निकल रही हैं, थोड़ी सी यहां पे टाइम का भी मेरे को इशू लग रहा है, बिकॉज बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं इतने भाई। इलेक्ट्रो ड्रैगन अगर थोड़ा तेज होते हैं ना, आई थिंक यार कुछ ज्यादा ही फिर मतलब ओवर पावर्ड हो जाते हैं, फिर तो कोई रोक ही नहीं पाता। बस इलेक्ट्रो ड्रैगन हर चीज परफेक्टली करते हैं, बस इनकी स्पीड देखो यार बहुत ज्यादा धीमे चलते हैं। एंड यही मुझे डर लग रहा है टाइम फेल का एक इशू ना बन जाए, क्योंकि ये बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हो काफी दूर दूर हैं। वेल आई गेस यार यहाँ पे टाइम फेल शायद नहीं होगा, काफी टाइम है, बहुत टाइम है आराम से। भाई एक्सपो की हेल्थ भी एकदम डाउन जा चुकी है। सो हेवी होगा इस, ये अपना एक 3 स्टार अटैक मुझे बहुत ही मतलब आराम से लग रहा है। अब तो 20 सेकंड में हम निकाल ही देंगे बचे हुए डिफेंसेस। तो वेल गेस, विदाउट यूजिंग एनी हीरोज यार हमारा बेस से 3 स्टार हो चुका है लगभग, और बस एक बिल्डिंग की। अब इन दोनों की हेल्थ देखो यार, ये कैनन की हेल्थ तो एकदम खत्म ही हो चुकी है। सो आराम से हो जाएगा भाई, अब तो आराम से ये लास्ट हिट है। लो भाई हो चुका है अटैक विदाउट हीरोज। भाई ये सीकिंग एयर माइन लास्ट टाइम पे कहां से निकल गई यार, लिटरली लास्ट सेकंड पे सीकिंग एयर माइन ने पूरा प्लान खराब कर दिया। एंड आई गेस यार इसे हम लोग 3 स्टार कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज मेरा नसीब बस खराब था इस अटैक में। तो वेल गाइस, लास्ट अटैक में लगे हुए सदमे के बाद मैं फाइनली एक और अटैक के लिए आ चुका हूं। अब ये बेस भी काफी भाई यहां पे मतलब ना वैल्यू वाला बेस है। अगर आप बीच में देखो बहुत सारे डिफेंसेस जिनको हम ब्लिजार्ड से निकाल सकते हैं, तो अगर आपको वॉर बेस को चूज करने को मिल रहा है तो इसी टाइप का चूज करना, जहां पर ना मतलब बिल्डिंग काफी कॉम्पैक्ट वे में रखी हो। तो इसलिए मैंने ऐसे बेसिस पे अटैक किया, क्योंकि आप स्प्रेड बेस पे अटैक करोगे तो शायद ये वर्क नहीं करेगी स्ट्रैटजी। अब मेरी ब्लिजार्ड यहां पे देख सकते हो एकदम परफेक्ट जगह पे गिरी है, और भाई 2 रेस्पेल डाल दिए मैंने। भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैंने एक रे स्पेल वेस्ट कर दिया। अब आई डोंट थिंक ये अटैक 3 स्टार बन पाएगा, बिकॉज हमने अपना एक रे स्पेल भी वेस्ट कर दिया जो हम इलेक्ट्रो ड्रैगन में बाद में यूज करना था। एनीवेज फिलहाल हमारी ब्लिजार्ड यहाँ पे काम कर रही है, उस पर फोकस करते हैं। अब जो हमारे हाथों में उस पर ध्यान रखते हैं। एंड काफ़ी बढ़िया, अरे भाई ये क्या था, लिटरली भाई 3-3, 4-4 डिफेंस एक बार में निकल रहे हैं। तो ब्लिजार्ड बहुत ही ओपी है गाइस। आई गेस सुपर आर्चर ब्लिम तो अपडेट के बाद काफ़ी मतलब अजीब हो गई है, तो आई थिंक ब्लिजार्ड अब एक ऑप्शन है यूज़ करना। एंड ये देख सकते हो भाई खतरनाक वैल्यू मिली है।
पर यार देखो बस वही दो रेस पर हमने वेस्ट कर दिए। अब देखो बाहर की तरफ यहाँ पे एक ईगल आर्टलरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रो ड्रैगन को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। एंड अब रेस पल तो है नहीं, इसलिए यार अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को बहुत ही एकदम होशियारी से यूज़ करना पड़ेगा। सारे हम स्पैम नहीं करेंगे इस बार, इस बार हम लोग अपने 5 इलेक्ट्रो ड्रैगन को कहीं और यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप देखो ईगल वाली साइड जो है यहाँ पे पूरी लाइन में आप देखो कुछ भी बचा ही नहीं है, तो वहाँ फालतू में क्यों ड्रॉप करनी इलेक्ट्रो ड्रैगन। अब जहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है ना मैं वहाँ से ड्रॉप करूँगा। मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पे भाई 7 या 8 o'clock के आसपास वाली जो रेंज है ना वहाँ से यार इलेक्ट्रो ड्रैगन को लाऊँ, जैसा आप देख रहे हो। एंड आई एम नॉट श्योर यार, क्योंकि अब हमारे पास रेस स्पेल नहीं है, तो आगे कुछ यहाँ पे मेजर डिफेंसेस हैं, दो यहाँ पे इन्फर्नो टावर्स भी हैं, तो क्या वो विदाउट रेस स्पेल निकल पाएंगे? अब ये अगर हमने गलती ना की होती तो हमसे खुद से ऐसे सवाल नहीं पूछने पड़ते। देखते हैं हम जो भी होगा गाइस, एक यहाँ पे मल्टी इन्फर्नो है, एक सिंगल इन्फर्नो है। अब ये सिंगल इन्फर्नो मेरा दिमाग खराब कर रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रो ड्रैगन भाई ऐसे मतलब इतने धीमे धीमे तो चलते हैं, ऊपर से यार इन्फर्नो जो होता है इन्फर्नो टावर ये एकदम से हेल्थ इनकी पूरी खा लेता है। एनीवेज चलो निकल गया वो फाइनली, और ये जो मल्टी इन्फर्नो है इससे इतना डर नहीं लग रहा, तो आई थिंक यार ये 3-star स्टिल हो सकता है इवन आफ्टर डूइंग सम मेजर मिस्टेक जो हमने अटैक की स्टार्टिंग में कर दी थी। मुझे वहाँ से थोड़ी सी ऐसी फील आ रही थी कि ये ख़त्म है अटैक, पर आई गेस इसलिए आपको पेशेंस रख के अपना अटैक कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। एंड देखो भाई हमने जो पहला वाला बेस पे अटैक किया था लगभग पूरा ही मैक्स था, इस वाले बेस में कुछ बिल्डिंग्स टी एच 11 की भी हैं, पर मोस्ट ऑफ जो मेजर डिफेंस है तो टी एच 12 के हैं। एंड गाइस देखो ये अटैक ना मैं बहुत इस अटैक स्ट्रेटजी को बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और ये सिर्फ दो ही अटैक्स नहीं है, अभी मेंटेनेंस ब्रेक आया था उसके बाद अटैक के रिप्लेस गायब हो गए, वरना मैं आपको कुछ और अमेजिंग इससे भी अमेजिंग अटैक्स दिखा सकता था जो मैंने किए हैं पास्ट में इसी स्ट्रेटजी से। तो मैं फ्यूचर में भी आपको दिखाते रहूँगा, वार्ड्स वगैरह में मैंने इससे भाई इसी सेम आर्मी से विदाउट हीरोज 3-star कर रखा है, तो उसके भी अटैक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा फ्यूचर में ही। और ऐसी अमेजिंग स्ट्रेटजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही जल्दी हम लोग दूसरे टाउनहल्स की भी स्ट्रेटजीज लाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको कौन से टाउनहल की स्ट्रेटजी चाहिए विदाउट हीरोज। अब गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं ऐसी कुछ और वीडियोस आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं टाउनहल 16 अपडेट की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन सारे डिटेल्स, एंड राइट साइड में आप देख रहे हैं एक प्लेलिस्ट जहां पर भाई सारी हेल्पफुल चीजें आपको पता चल जाएंगी क्लैश ऑफ क्लैंस के रिगार्डिंग।